राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे पीछे आप जो ये माता महाकाली जी की मूर्ति देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। जब भी आप अखनूर से जोड़ियाँ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक स्थान आता है जिसका नाम है नानक नगर बोमाल। यहाँ पर श्री महाकाली धाम है। श्री महाकाली धाम इतना खूबसूरत, जब भी आप यहाँ से निकलेंगे तो माता रानी की बड़ी खूबसूरत मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और बहुत विशाल मूर्ति बनाई हुई है माता रानी की, और ये माता रानी का काली स्वरूप है। और आप देखेंगे जब माता रानी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया था, जब माँ काली के तौर पर सबका जो है वहाँ पर जो भी राक्षस थे उनको समाप्त कर रही थी, तो उस समय माता काली जी को रोकने के लिए भगवान शिव खुद ज़मीन पर जो है लेट गए थे। और जब माता रानी आगे चलती हुई आ रही थी और भगवान शिव के ऊपर उनका पैर आ गया था, तो माता रानी की तब से ही जो है जिभा बाहर आ गई हुई है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप माता काली जी की कहीं पे मूर्ति देखेंगे तो माता रानी की जो जीभ है, जिभा, वो हमेशा बाहर रहती है। वो कारण यही था कि भगवान शिव के ऊपर गलती से जो है माता रानी के जो है पैर आ गए थे। और जब माता रानी ने प्रचंड रूप धारण किया था, माँ पार्वती जी का प्रचंड रूप जो माता काली जी के रूप में हुआ था, और उसी के बाद ही ये पूरा का पूरा जो है लीला हुई थी माता काली जी की। और आप ये मूर्ति के दर्शन ज़रूर करेंगे, यहाँ पर इतनी खूबसूरत मूर्ति है। जब भी आप यहाँ से निकलें ज़रूर माता रानी के दर्शन करें। ये अखनूर से जोड़ियाँ जब आप रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पर ये खूबसूरत दर्शन होंगे माता काली देवी की जी के। आप भी दर्शन करें और मेरे साथ बोलिए जय माँ काली, जय माँ चमुंडा वाली। धन्यवाद। राम राम, सनातन धर्म की जय।